जुग जुग जियो। जी हाँ गाइस, जुग जुग जियो मूवी का ट्रैक नैनता हीरे वर्के बाय गुरु रंधावा, जिसको कि हम गाइस आज करने वाले हैं गिटार के ऊपर। देखेंगे इसके गिटार कॉर्ड, इसका स्ट्रमिंग पैटर्न, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन, इसके स्ट्रमिंग पैटर्न में आने वाली डिफिकल्टीज एंड गाइस निकालेंगे उसके सोल्यूशन भी। तो स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं हूँ रब्बी सिंह। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाने में यूज़ होने वाले हमारे गिटार कॉर्ड्स के ऊपर। तो गाइस अगर गिटार कॉर्ड्स की बात करूँ तो टोटल ऐसे 4 गिटार कॉर्ड्स हैं जो आपको आने बहुत ज़्यादा लाजमी है इस गाने को प्ले करने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले वो गिटार कॉर्ड्स कौन कौन से हैं। तो गाइस जो हमारा पहला गिटार कॉर्ड है वो है ए माइनर, हमारा दूसरा गिटार कॉर्ड है डी माइनर, हमारा तीसरा गिटार कॉर्ड है ई माइनर, एंड हमारा फोर्थ एंड लास्ट गिटार कॉर्ड है जी मेजर। तो गाइज अगर आपको ये 4 गिटार कॉर्ड्स को प्ले करना आता है तो आप इस गाने को गिटार के ऊपर इजिली प्ले कर पाएंगे। एक और चीज़ बता दूं कि इस गाने को प्ले करने के लिए गाइज मैंने लगाया है कैपो को फर्स्ट फ्रेट के ऊपर। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, आप अपनी पिच के अकॉर्डिंगली कैपो को हटा भी सकते हैं या कैपो को आप नीचे तक लेके जा सकते हैं, जहाँ पे आपके वोकल रेंज अच्छे से पिच मैच कर सके वहाँ पे आप इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं, कॉर्ड जो है वो सेम ही रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रमिंग पैटर्न की। तो स्ट्रमिंग पैटर्न गाइस सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, बाद में हम करेंगे उसका अच्छे से ब्रेक डाउन। तो गाइस स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ ऐसे है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो गाइस क्या है स्ट्रमिंग पैटर्न में, बहुत ही ज़्यादा बिगनर लेवल का, बहुत ही ज़्यादा सिंपल गाइस स्ट्रमिंग पैटर्न है। इसमें है हमारे टोटल 11 स्ट्रोक्स विद 3 पॉजेस। तो कैसे है ये, पहले आपका एक सिंगल डाउन स्ट्रोक आएगा डाउन, फिर आपका हल्का सा पॉज आएगा, फिर एक सिंगल डाउन स्ट्रोक आएगा डाउन, फिर आपका हल्का सा पॉज आएगा। अब आएंगे आपके 5 स्ट्रोक्स इकट्ठे, कौन कौन से, अप डाउन अप डाउन अप, फिर आपका हल्का सा पॉज आएगा, एंड लास्ट में आएंगे आपके 4 स्ट्रोक्स इकट्ठे, कौन से, डाउन अप डाउन अप। तो क्या बने टोटल 11 स्ट्रोक्स विद 3 पॉजेस। तो जब आप इसकी ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे ये फ्लो में साउंड करेगा, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको गिटार कॉर्ड, स्ट्रमिंग पैटर्न एंड इसका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी तक आपको लगता है सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए गाइस प्ले करके देखते हैं इस गाने को। नैनता हीरे अरगे ले गए दिल दा चैन, हाय नी डर लगता है जान भी ना कट लैन, नैन ता हीरे अरगे ले गए दिल दा चैन, हाय नी डर लगता है जान भी ना कट लैन। दिल दी सदा है तू ही जीण दी वजह है, तू ही मंगया सी मैं रब से, तुझको ही चाहा मैंने तुझको ही माना, मैंने इश्क हुआ जब से तेरे ही नाल सोनिए बीते मेरे दिन रैन, हाय नी डर लगता है जान भी ना कड लैन। कहना सी कुछ कहना तुझसे पर कह पाया नी, पर तू दिल दा हाल समझ दी मैं समझाया नी। कहना सी कुछ कहना तुझसे पर कह पाया नी, पर तू दिल दा हाल समझ दी मैं समझाया नी। सच्चा रब जानदा वे सच्चिया मोहब्बता ने, जग मैनू गैर लगदा, मंगदा जुदाई ना मैं मंगदा खुदाई ना, मैं एक तेरी खैर मंगदा, तू ही किस्मत है मेरी सुन लै सितारे कहन, हुण तेरे बाचों एक प आवे ना मैनू चैन। नैण ता हीरे अरगे ले गए दिल दा चैन, हाय नी डर लगता है जान भी ना कड लैन। तो
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना फीडबैक देना गाइज बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।